दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट बैठक में करीब 25 वर्षों बाद प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी ट्रेन्ड टीचर्स के पदों को भरने की मंजूरी मिलने पर एनटीटी संघ की प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम और भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एनटीटी और भारतीय जनता मजदूर संघ के लंबे संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में करीब 4700 पदों को भरने की मंजूरी दी है और अब एनटीटी पदों को भरने की मंजूरी मिलने के बाद हजारों महिलाओं को प्रदेश में रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अब आने वाले चुनावों में एनटीटी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो मैं आप सभी पत्रकारों का यहां उपस्थित होने पर स्वागत करती हूं, जिनके माध्यम से आज तक मुझे अपनी बात सबके समक्ष कहने का मौका मिला। आप सबका ये जो मेरी एनटीटी की जर्नी थी, इसमें बहुत सहयोग मिला। जो भी कार्य आज संभव हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी कभी हमारे मन में आया, कुछ भी हमारे मन में बातें आई, नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, हमने आप सबके माध्यम से वो सबके समक्ष रखी। इसलिए मैं एक बार अपनी पूरी राज्य कार्यकारिणी और समस्त एनटीटी संगठन की तरफ से आप सभी माननीय सम्माननीय पत्रकारों का स्वागत करती हूँ। सभी जानते हो कि आज कैबिनेट में हमारे ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है और 4700 पदों को भरने की जो मंजूरी मिली है, उसके लिए मेरा समस्त एनटीटी संगठन बहुत खुश है, क्योंकि ये जो कार्य है वो बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तक एनटीटी की भर्तियों के बारे में कभी किसने नहीं सोचा, ना ही सोचा था, ना ही ये कोई उम्मीद कर सकता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारी जयराम सरकार के कार्यकाल में संभव हुआ। आज से पहले भी बहुत सी सरकारें रही, आई गई, बहुत से मुख्यमंत्री भी आए गए, लेकिन ये कभी किसने एनटीटी के पदों को भरने के लिए नहीं सोचा, कभी किसने ये नहीं सोचा। हम बहुत सारी जगहों पे अपने मांग पत्र लेके गए, लेकिन हमें कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हमारे माननीय सम्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे बारे में सोचा, उनके समक्ष हमने अपने मांगे रखी और उनसे आग्रह किया कि एनटीटी के पदों पर एनटीटी शिक्षकों को ही जो है प्री प्राइमरी में नियुक्त किया जाए। तो बहुत बार हमारा उनके पास आना जाना रहा, हर बार वो पॉजिटिव रिस्पांस ही देते थे। कल रात को भी हम सर्किट हाउस में उनके साथ मिले थे, तो कल भी उन्होंने हमें कहा था कि ये कार्य हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल इशू है वो 1 और 2 ईयर का है। तो उन्होंने आज जो भी संशोधन था वो भी क्लियर किया और ड्राफ्ट को मंजूरी दी, 4700 पदों को भी मंजूरी दी, और ये जो एनटीटी की भर्ती है, इसको एक आग्रह है मेरा उनसे कि इस भर्ती को भी जल्द ही शुरू किया जाए, नोटिफिकेशन निकाल के और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। इसलिए मैं जो ये जर्नी रही है, जो जितने भी संघर्ष रहे, जितने भी प्रयास रहे, भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री वीर सिंह भारद्वाज जी के नेतृत्व में ही हमने किए हैं। हमारी आवाज़ प्रदेश सरकार तक गई और सबसे ज़्यादा आभार हम माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का करते हैं कि उन्होंने आज जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास बना लिया है, कि जिसमें 25-30 साल से जो है प्राइमरी स्कूलों में जो है एनटीटी की भर्ती को लेकर जो है मामला चला था, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो एक बार नहीं, पांच बार रहे, छह बार मुख्यमंत्री रहे और दो बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय धूमल साहब, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, मगर उनसे जो काम नहीं हुआ वो जयराम ठाकुर जी ने जो है बहुत कम समय में जो उसको करके दिखाया, और जिसमें प्रदेश भर में जो है उन्होंने 4700 पदों को जो है एनटीटी के पदों को आज की कैबिनेट में जो है उन्होंने मंजूरी दे दी और मंजूरी मिलने के बाद जो है एक इतिहास बना दिया। आज मैं इस बात को आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब एसएमसी की पॉलिसी बनाई थी, तो वो धूमल साहब के जो कार्यकाल में वो बनी थी,
और ये इतिहास है। और पीटीए की पॉलिसी जो है वीर भद्र सिंह जी ने बनाई थी। पीटीए की पॉलिसी, पीटीए में जितने भी लोग लगे हैं वो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में लगे और उन्होंने उस पॉलिसी को बनाया। और एसएमसी की पॉलिसी जो है धूमल साहब ने बना दी। दोनों मुख्यमंत्री जी ने अपना अपना शिक्षा के क्षेत्र में जो है नाम रखा था। और उसी स्थिति में जो है जयराम ठाकुर जी भी जो है किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जो है आज एक पन्ने में जो है जो अभी लिख कर रखा कि एनटीटी की पॉलिसी जो है वो जयराम ठाकुर जी ने बना दी। इसमें तीन पॉलिसी तीन नेताओं ने बना दी, जिसमें एसएमसी की जो धूमल साहब ने, पीटीए की पॉलिसी वीरभद्र सिंह जी ने और एनटीटी की पॉलिसी जयराम ठाकुर जी ने। हम जयराम ठाकुर जी का और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी का जो दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ में हम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं। और आज आपके माध्यम से हम जो है यही बात करना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो है 15,000 हमारी एनटीटी महिला बहनें थी, जिन्होंने जो है 200 रुपए मजदूरी करके जो है उन्होंने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नियों के लिए जो है ट्रेनिंग कर दी है। ट्रेनिंग कराने के बाद जो है देखिए इनका भविष्य जो है अंधकार में था। और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी आता था कि भी इसमें किसको लेंगे, पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो है सबको मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों को इसमें जो है उन्होंने इन किया। इसके लिए जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और ये सारा कार्य जो तब हुआ, 2 साल से हमने इसमें जो भी पूरा प्रयास किया, और हमारी राज्य कार्यकारिणी का सहयोग, भारतीय जनता मजदूर संघ को दिन को भी जो है इनका सहयोग मिला। और कई बार हम अपने घर परिवार को छोड़कर जो है भी कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम जी और हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारी एनटीटी महिला बहनें जो है 6-6 बार हम जो शिमला गए, 1 महीने में 6-6 बार ये तब काम हुआ जब हमारे कार्यकारिणी का सहयोग हमको मिला। मैं वीर सिंह भारद्वाज, महामंत्री भारतीय जनता मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ एनटीटी की तेज तरार प्रदेश अध्यक्षा, हिमाचल प्रदेश एनटीटी संघ की श्रीमती वंदना गौतम जी, उपाध्यक्षा श्रीमान जी, अब नाम मैं सबका लूंगा, कैशियर दिनेश्वरी जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी हिमाचल प्रदेश। Only university promoted and managed by Himachali persons, and to get UGC approval in first instance. 8 years of finest existence, excellent faculty, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BAMS, D Pharmacy, Ayurveda, Allopathy, B Pharmacy, Allopathy, M Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, BPT, MPT, Neurology, Orthopedics, BSc, MLT, Diploma, MLT, MTech, ME, CE and CSE, MTech, ME, CE and CSE Part-time, BTech, Agriculture Engineering, BSc Honors, Agriculture, MSc, Entomology, Plant Pathology, Agronomy, Genetics and Plant Breeding, Agriculture Extension, Agriculture, Horticulture, Vegetable Sciences, MSc Zoology, MBA Full-Time, MBA Part-Time, BSc B.Ed, BA B.Ed, BA, BSc Medical, Non-Medical, MA Education, Diploma in Multiple Purpose, Health Worker, Male, Diploma in Tourism Studies and Hospitality, Diploma in Veterinary Pharmacist, Diploma in Yoga, Diploma in Arts and Craft, Drawing Master, PhD, CSE, Civil Engineering, Zoology, Management, Education, Pharmaceutical Science. Contact for more details on 9816400520 or 9816700520 or 98160
0519।